हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज जो है मैंने काफ़ी कुछ कैंपिंग के जो सामान वगैरह लिए हैं, जैसे मैंने टेंट लिया है, मैट लिया है और ट्रैवलिंग का ये बैग लिया है जो मेरे पीछे। मैं जो अपनी ट्रैवल की जो जर्नी वो शुरू होने से पहले मैं इन चीज़ों को ट्रायल लेना चाहता हूँ। और आज जो मौसम है काफ़ी बारिश वाला है, तो मैं बारिश में ही आज टेंट लगाऊंगा छत पर और पूरी रात में इसी टेंट के अंदर रहूँगा और खाना भी मैं छत पर ही बनाऊँगा चूल्हे पर। तो चलिए शुरू करते, सबसे पहले मैं टेंट लगा लेता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है टेंट लगाना, अपना आज जियाना। तो गाइज ये है टेंट जो कि 3 लोगों के हिसाब से है, डीकैथलॉन से मैंने लिया है। ये जब से मैंने खरीदे पहली बार ही खोल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखिए पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, बट मुझे पता है ये कैसे लगाना, मैंने वीडियो देखी थी इसकी। बारिश हो रही है, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं, रिमझिम रिमझिम हो रही है, बट मेरा टेंट लग गया है। मज़ा तो आ रहा है, बट एक थोड़ा सा दिक्कत है कि अब मैं खाना कैसे बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, बारिश रुकने का मैं इंतज़ार करता हूँ। अगर नहीं रुकती तो कहीं पे कोने में छुपके से मैं आँच वाँच जला लूँगा, जैसे ऊपर ये थोड़ा छज्जा भी है इसके नीचे मैं बना लूँगा। तो गाइस बारिश तो अभी भी हो रही है, बट मैं टेंट के अभी अंदर हूँ। और ये देखिए इसके साथ ये कुछ 4 ये रस्सियाँ दी हैं, जो कि बाहर अगर वैसी ज़मीन हो, अभी तो छत पे है तो ये कंक्रीट है उस पर तो दस नहीं सकते। और साथ में इसके ये भी हैं, इसके हुक्स इस टाइप के, जाके ताकि हम इसे फंसा दें और ये रस्सी से बांध दें तो ये टेंट उड़े ना। तो काफ़ी अच्छा है ये टेंट। सो गाइज ये लिया था मैंने स्लीपिंग मैट। इसकी ये खासियत है कि जैसे कि जो अपनी नीचे जो फर्श होती है वो काफ़ी ठंडी होती है ठंड में, और गर्मियों में काफ़ी गर्म होती है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्मल जो योगा मैट है उससे काफ़ी अलग है, इसका जो फोम है वो काफ़ी मोटा है। ये तो इसको मैं लगा लेता हूँ, वही लेट के देखते हैं कैसे लगता है इस पर। अच्छा है, बट थोड़ा सा चौड़ा कम है, बट ठीक है, मैट के हिसाब से इतना ही रहता है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी ठीक है, और टेंट भी जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा है मेरा टेंट, ये आगे से इतना मैंने खोल के रखा है ताकि हवा वगैरह आए, और इधर ये मेरा बैग रखा है, और इधर मैं चिकन और इन सब की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये कुछ रखने का है ये, और यहाँ ऊपर ये कपड़े टांगने का वायर, इतना बड़ा काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे, मतलब छोटा घर के हिसाब से ऐसा लग रहा है घर में ही हूँ अभी। और ये मैंने एक लाइट ली है ताकि ये अंधेरा ना रहे, ये पावर बैंक में अटैच हो जाता है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लाइट है एलईडी। सो गाइस बारिश तो रुक गई है और मैंने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए चिकन है, और ये मैं प्याज टमाटर ये सब चीज़ें काट रहा हूँ। मेरा ये है कि सबसे पहले मैं खाने की जो ये काटा पीटी वो पहले कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले अगर आग जला ली और आग जलते जब तक मैं काट लूँगा जब तक तो आधी आग जली जाएगी, तो इसलिए मैं पहले मैं तैयारी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आग जलाऊँगा फिर उसके ऊपर मैं पतीले चढ़ाऊँगा। तो मेरा चिकन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वैसे तो घर में पूरे अच्छे से बनाता हूँ, बट ऐसे अगर कैंपिंग में अगर चिकन बनाना हो तो मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है। मैं पहले क्या करता हूँ, ये देखिए चिकन रखा है, इसके अंदर सब कुछ डाल दूंगा तेल वेल, और सीधा चढ़ा दूंगा आँच पे, ना कोई छोक लगाना ना कुछ। सो आप देखिए, बने रहिए, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। सब कुछ इसमें काट दिया है, चिकन है, प्याज है, हरी मिर्च है, और ये ऊपर लहसुन, टमाटर जो है मैं बाद में डालूंगा, और अभी मैं इसके अंदर मसाले डाल देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं रख देता हूँ, और जब तक जो है मैं आग जला लेता हूँ। तो अभी चलिए आग जलाना शुरू करते हैं, इसको मैं अभी ऐसे रख देता हूँ साइड में। ये है मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, ये देखिए यहाँ पे मैंने टांग दिया है, टांगने की जगह भी थी। आप लोग को तो मैं गाने नहीं सुना सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएंगे।
सो भाई आग लग चुकी है और ये चिकन भी काफ़ी देर से रखा हुआ है, मैरिनेट हो गया है। इसके ऊपर मैं ऑयल डाल देता हूँ। इसके अंदर मैंने काटे थे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो बचा हो तो मैं पानी से इसमें डाल देता हूँ। पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगा चिकन। टमाटर जो है मैं ज़्यादा नहीं, मतलब बारीक नहीं करता, मैं इसके 4 पीस करूँगा और इसके अंदर मैं ऐसे डाल दूँगा। बस तो गाइस ये देखिए चिकन में उबाल आ गया है और बस 15-20 मिनट में ये पक जाएगा और ये मेरा पूरा टेंट। सो भाई चिकन बनने वाला है और साथ में मैंने ये ले लिया ओट्स, ये देखिए। सो मैं जो ओट्स है वो पानी के साथ ही बॉईल करके खाऊंगा, तो इसके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। तो जैसे ही चिकन हो जाएगा उसके बाद मैं ओट्स रख दूँगा। ओट्स इतना टाइम नहीं लेगा, ये मुश्किल से 5 मिनट में हो जाता है, तो मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। पहले ओट्स बना लेते हैं क्योंकि ये तो मैं आधा कच्चा भी खा सकता हूँ। सो ये अब देख लो ओट्स बन गए हैं। ओट्स जो है जल्दी बन जाते हैं, सो इसको मैं भी रख देता हूँ थोड़ी देर ताकि हल्के से ठंडे हो जाए, एकदम गरम गरम खाए भी नहीं जाएंगे। और अभी अपने चिकन को जो है फिर से मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, बन गया है बट थोड़ा सा और इसमें उबाल की जरूरत है। आप एक बार इसकी शक्ल देख लीजिए कैसी लग रही है, एकदम लजीज। ये देखिए उबाल आ रहा है, थोड़ी देर और इसको रखूंगा फिर ये भी बन जाएगा। एकदम मस्त है भाई लोग, मजा आ गया यार। इसको उतार लेता हूँ, ये तो एकदम पानी जो है इसका सूख जाएगा। उतार के जो है मैं टेंट के अंदर नहीं रखता क्योंकि जो ये है प्लास्टिक के टूल जगह, तो यहाँ पे जो ये जगह है आप देखिए थोड़ा इधर आके, यहाँ पे जो ये जगह है तो यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जब ये इसके नीचे से थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसे टेंट के अंदर रख के खा लूँगा। सो गाइस बारिश फिर से शुरू हो गई है बट मेरा खाना जो है बन चुका है और थोड़ा सा ठंडा हो गया, बट मैं फिर भी नहीं रखूँगा। मैंने ये देखे दरी बिछा ली है क्योंकि जो ये तरपाल है ये प्लास्टिक का है, अगर गरम गरम मैंने इसके ऊपर कुछ रखा तो वो पिघल भी सकता है, तो मैं नहीं चाहता मेरे टेंट ख़राब हो इतनी जल्दी। तो भाई शुरू करते हैं गर्मा गर्म खाना। अब डालता हूँ ओट्स, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया बट चलेगा। चलिए आपको खा के बताता हूँ कैसा बना है। वैसे ठीक ही बना हुआ, मैंने पहले ही चख लिया था। एकदम गर्म है भाई, मजा आ गया भाई। कैंपिंग जो है सक्सेस होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आई बारिश की, अब जैसे तैसे रात बीत जाए। थोड़ी सी उमस हो रही है यार बट खाना बहुत टेस्टी है। डिनर हो गया बहुत मस्त और अभी जो है सोने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। सो गाइस चलिए गुड नाइट, अब मिलते हैं सुबह। बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है, सुबह के बज चुके हैं 6:06 हो गए हैं। तो उठ गया था मैं बट मैंने कहा थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी सी लाइट जला दो, अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये लाइट बहुत काम की है यार सच में। सो भाई ये हैं सुबह के थोड़े से नज़ारे, नज़ारे तो क्या सिंपल ही है, घर वर दिख रहे होंगे आपको आसपास। तो सूरज अभी उगने वाला है बट अभी उगा नहीं है, तो उससे पहले मैं आपको चांद के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए सुबह सुबह मैं आपको चांद दिखाऊंगा। और ये अंदर से मेरा टेंट, ठीक ठाक नींद आ गई थी बट क्या है थोड़ी सी उमस हो गई थी बारिश के बाद, बट थोड़ी देर के बाद मैंने ये बाहर का जो ये है ये हटा दिया था और यहाँ से ये जाली से ठीक ठाक वेंटिलेशन हो रहा था और मच्छर की कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सब कुछ पैक था।
सुबह आग जल गई है, थोड़ी देर में जैसे सेट हो जाए फिर मैं इसको पतीला रख दूँगा। सुबह इसको गर्म होने देते हैं। एकदम उबाल ले रहा हूँ इसे, नॉर्मल गर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीना भी है। ये है मेरी कॉफी जो कि चूल्हे पे बनी है, ब्लैक कॉफी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अभी जाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट ट्रैवल ट्रिप पे, जो कि मैं जाऊँगा अपने गाँव। तो वहाँ पे देखते क्या एडवेंचर मैं कर सकता हूँ, और वहाँ पे मैं कैंपिंग भी करूँगा एक दो दिन खेतों में या फिर अपने जो गांव की जो छत है उसके ऊपर। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।